में आज का एजेंडा, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कामकाज में दखल का आरोप लगा है। मोदी राज में ही नियुक्त हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतनलाल हंगलू ने स्मृति पर कामकाज में दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वीसी के मुताबिक स्मृति ईरानी और बीजेपी के सांसद यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कामकाज में दखलअंदाजी से नाखुश वीसी हंगलू ने कहा है कि अगर आगे भी ऐसा होता रहा तो वो वाइस चांसलर के पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल ये पूरा मामला करीब चार महीने पहले का ही है, जब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी बने प्रोफेसर रतनलाल हंगलू ने नए सेशन से सभी एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन ही कराए जाने का ऐलान किया था। लेकिन यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होते ही छात्रों ने एंट्रेंस एग्जाम को दिया। भदोही और कौशाम्बी से बीजेपी सांसद समेत बीजेपी के कई दूसरे नेताओं ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी से वीसी की शिकायत की। और इस मुलाकात के बाद स्मृति ईरानी ने मामले में दखल दिया और वीसी के फैसले को पलटते हुए सभी एंट्रेंस एग्जाम में ऑफलाइन का विकल्प भी दे दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर वाइस चांसलर ने धमकी दी है कि अगर इस तरह से दखल अंदाजी चलती रही एचआरडी मिनिस्ट्री की तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यही कहना चाहूंगा कि एमएचआरडी को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स हुई है। क्योंकि जब ये लोग पहले तो यही लोग अनशन पे खाली ज्यादा लोग नहीं थे, खाली चार लोग थी थे, आप सब लोगों ने देखा इतने दिनों से, और वो भी अनशन पे इसलिए बैठे थे कि उनकी अपनी परेशानियां थी, विश्वविद्यालय का मतलब हित वो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस कटिंग अक्रॉस पार्टी, जैसे रीता बहुगुणा कांग्रेस से आ गई, बीजेपी से, एबीवीपी के लोग आ गए, समाजवादी के पार्टी इसमें जुड़ गए, इससे मुझे लग रहा है कि विश्वविद्यालय सर्टनली पीछे जाएगा, विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो हम विश्वविद्यालय को एक्सलेंस की तरफ ले जाना चाहते थे, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा धक्का है उस चीज में। लेकिन बट आई डू नॉट, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। इफ द गवर्नमेंट वांट्स आई कैन गिव देम रिजिग्नेशन एनी टाइम एंड गो, आई जस्ट डोंट केयर। अगर ऐसे ही इंटरफेरेंस होता रहा तब तो यूनिवर्सिटी को हमें छोड़ना होगा और जो गवर्नमेंट चाहे वैसे चलाए। एक तरफ से मोदी जी कह रहे हैं कि साहब डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, और दूसरी तरफ से एक बच्चा जो चपरासी बनने के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कर रहा है और वो फॉर्म नहीं भर पाएगा ऑनलाइन, एक एमएससी का स्टूडेंट ये नहीं कर पाएगा, तो हम किसके लिए इंस्टीट्यूशन रखे। तो वाइस चांसलर का बयान आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि नए सेशन से सभी एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन कराए जाएं, इसी का ऐलान उन्होंने किया था। लेकिन छात्रों के विरोध के चलते वीसी ने ग्रेजुएशन क्लासेस में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन कराए जाने का भी विकल्प दे दिया था। और इसी को लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि एचआरडी मिनिस्टर से दखलअंदाजी काफी की जा रही है। मानस संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मानस, ये ऑनलाइन ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम का ही मामला है या फिर इसके पीछे की सियासत कुछ और है? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप जगह देखेंगे पीछे तो बहुत सारी घटनाएं हुई है, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है और कई बार छात्रों को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन भी किया है। तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सियासत का अड्डा बनता जा रहा है। ये अलग बात है कि इस वक्त मुद्दा ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम को लेकर के किया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो सियासी लोग हैं उनकी दखलअंदाजी बढ़ रही है और ये पहले भी होता रहा है। और शायद यही एक यही वजह है कि जो वाइस चांसलर है वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, वो छोड़ देंगे यहाँ पर। और वो खुद भी बता रही है कि बहुत छोटा सा एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल हो गए, उसके बाद सपा के भी लोग आ गए, उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से सीधे वो एचआरडी मिनिस्टर पर निशाना साध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विश्वविद्यालय में सियासत हावी हो रही है और यही वजह है कि जो टकराव की स्थिति है वो वीसी और एचआरडी मिनिस्टर के बीच में देखी जा रही है। मानस, आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी। कांग्रेस नेता हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब, आपको इस पूरे मसले को लेकर किस तरह की सियासत की भी बू आ रही है या वाकई आपको लग रहा है कि वाइस चांसलर एक प्रशंसनीय कदम उठा रहे थे डिजिटल इंडिया के तहत, लेकिन उस कदम को जानबूझकर किसी सियासत के तहत रोका जा रहा है? आपका क्या पक्ष है इस पर? अब देखिए, अगर कोई वाइस चांसलर, देखिए बुनियादी तौर पर वाइस चांसलर जो होते हैं सरकारी मुलाजिम और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग कभी भी इतना खुल करके कोई बात नहीं करते। जाहिर है सबसे ज्यादा अगर वो परेशान हो गए होंगे इंटरफेरेंस से, तभी उन्होंने मजबूर होकर ऐसा बयान अपनी मिनिस्टर के खिलाफ दिया है जी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि
कि मौजूदा सरकार पर जो कांग्रेस बार बार इल्जाम लगाती है कि तालीम के निजाम में ये लोग दखलंदाजी कर रहे हैं, अपने हिसाब से एजेंडा फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ये सबूत है जीता जागता कि एक वाइस चांसलर खुल करके सामने आ गया और उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि आप किसी एमएलए या एमपी को बना दें अगर आपको इस तरह से यूनिवर्सिटी में मुदाखलत करनी है तो अपनी पार्टी की किसी एमपी या एमएलए को जो है वाइस चांसलर बना दें। मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय बात है और इसको कंडेम करना चाहिए। और ये एजुकेशन सिस्टम में अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की मुदाखलत होगी, जेएनयू के अंदर भी आप देखिए कि वाइस चांसलर जो है इशारे पर काम करता है, अगर वो इशारे पर काम ना करे तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। नहीं मीम अफजल साहब, इसमें एक बात ये है जो लगातार एक विरोध की वजह भी बनी कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऑफलाइन का विकल्प दिया जा रहा है, ऑनलाइन वाले विकल्प को खत्म नहीं किया जा रहा था, तो इसमें आपत्ति इतनी ज्यादा व्यापक तौर पर निकलकर वाइस चांसलर का आना कितना जायज समझते हैं आप? देखिए मुझे इसकी पूरी टेक्निकलिटीज का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अपने आप में अगर वाइस चांसलर खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि जो उनकी मिनिस्टर हैं वो मदाखलत कर रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंता की बात है।